हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये वाला पेंडेंट जो है वो कैसे बनता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा, और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए, आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना उस ग्रुप में आप मैसेज करना, वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेंडेंट बनाना। पेंडेंट बनाने के लिए हम पहले मैट्रिक्स में टॉप व्यू रखेंगे। टॉप व्यू में इमेज सेट करना है, तो इमेज सेट करने के लिए हमें पहले व्यू में जाना है, पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करना है। पिक्चर फ्रेम में जाके जो आपने वो इमेज है वो जहाँ पे रखी है उस फोल्डर को ओपन करना है। फिर इमेज पे क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देना है। फिर F4 करके ऐसे शिफ्ट के साथ ऐसे स्ट्रेट एक बॉक्स ले लेना है, उसमें इमेज आ जाएगा। अब तो पहले तो हमें जो एक्स्ट्रा इमेज है उसको ट्रिम करना है, तो क्या करेंगे, कव में जाएंगे, रेक्टेंगल का जो ऑप्शन है उसके उसको लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बनाकर जितना इमेज हमें रखना है उतना बॉक्स में ले लेंगे, बाकी का हम ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम हो गया बाकी का, जो हमने कव ड्रॉ किया था उसे भी अब हम डिलीट कर देंगे। अब हमें इसे 25 mm में बिठाना है, तो क्या करेंगे, 25 mm में बिठाने के लिए इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल 2D का ऑप्शन लिया, ऐसे पेंडेंट के शुरू होने से बट पेंडेंट के खत्म होने तक यहाँ पर हम क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ। अब हमें इसे 25 mm में बिठाना है, तो 25 लिख के एंटर दबा देना है। फिर एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये 25 में हो गया है या नहीं, तो अलाइन डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके हमने ऑप्शन ले लिया, तो ये 25 mm में हो गया है। तो कव में जाना है, इसे सेंटर में लेने के लिए सिंगल लाइन लेना है, एक लाइन यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है बोथ साइड के ऑप्शन वाला। अब हम नीचे भी ऐसे बोथ साइड वाला सिंगल लाइन ले लेंगे, तो यहाँ से क्लिक किया, बोथ साइड पे क्लिक किया, ऐसे स्ट्रेट एक कर्व ड्रॉ कर लिया, फिर से सिंगल लाइन और इस साइड हमें ड्रॉ करना है बोथ साइड वाला ऑप्शन लेकर। इस तरफ ड्रॉ किया, अब इस तरफ भी हम बोथ साइड वाला ऑप्शन लेके ड्रॉ कर लेंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ट्विन कर्व लेना है, तो ट्विन कर्व ले लिया। अब इन दोनों को उसको सिलेक्ट करके उन दोनों का भी ट्विन कर्व लेना है। फिर इमेज को और सब कर्व्स को एक साथ सिलेक्ट करके इंटरसेक्शन ऑन रखना है और मूव का ऑप्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन ऑन होने से क्या होगा कि ये कर्व के जो बीच ये जो सब कर्व्स है उनके सेंटर पे पॉइंट पे क्लिक आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन लेकर हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे F4 ये सब कर्व्स है वो सब डिलीट, और इमेज को सिलेक्ट करके अब हम उसको ग्रे कलर देके यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर एक बार हम फाइल में जाके इसको सेव भी दे देंगे। अब हम पेंडेंट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम इंटप कर्व लेंगे। इंटप कर्व से हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अभी अब हम हाफ टक ड्रॉ करेंगे और इसको सामने की तरफ ऐसे मिरर दे देंगे। मिरर का ऑप्शन लिया, F4, सामने की साइड ऐसे मिरर, दोनों को जो एक्स्ट्रा कर्व्स आया है उनको हम
ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद जॉइंट और बीच में जो पॉइंट आया होगा उसको डिलीट। अब हमें इसको ऑफसेट देना है, तो ऑफसेट देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मेजर ले लेंगे। मेजर में जाना है, अलाइन डायमेंशन लिया, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके देख लेना है। तो ये ऑफसेट है 1.5 का, तो कौ को सिलेक्ट किया, कौ में जाना है, ऑफसेट कौ लेना है और 1.5 लिख के एंटर दबा देना है। आ गया यहाँ तक। अब हमें ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, तो ये वाला पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना कौ ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइंट किया, F10 ये वाला पॉइंट डिलीट, जिससे ये वो कॉर्नर हुआ वो निकल जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, तो मिरर का ऑप्शन लिया, F4 दबा के इसे सामने मिरर दे दिया। तो फिर अब हम पहले इसका मेटल बनाएंगे, तो मेटल बनाने के लिए पहले इन दोनों को उसको हमने सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, उसमें ओके। अब ये हमारा सरफेस क्रिएट हुआ है, अब इसको हमें हाइट देना है। तो ये डोम वाला पेंडेंट है, तो इसका हाइट हमें कितना रखना है, 0.7। तो इसको ऑफसेट सरफेस हम देंगे 0.7। फ्लिप ऑल एरो नीचे की तरफ, एंटर, ये हो गया। अब हम इन दोनों को लॉफ्ट से मेटल बनाएंगे, तो दोनों को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, ओके। अब हम इसे भी हाइट दे देंगे, तो इसको हाइट देने के लिए सिलेक्ट किया, 3D व्यू, ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया, एरो नीचे ही है, ये भी डोम वाला है, तो इसका हाइट भी हम 0.7 ही रखेंगे, हो गया। अभी इमेज हाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सरफेस डोम वाला है, तो अभी इसको ब्लेंड सरफेस भी देना है। तो क्या करना है, पहले इमेज डिज़ाइन को 3D किया, अब ऊपर के जो सरफेस है उसे अलग करना है, तो उसे अलग करने के लिए हम सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रेक्ट सरफेस का ऑप्शन लिया, ऊपर की सरफेस पे क्लिक, यहाँ भी ऊपर की सरफेस पे क्लिक, एंटर, डिलीट। अब हम इसका ब्लेंड सरफेस दे देंगे, तो क्या करना है, ब्लेंड सरफेस देने के लिए सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है, इन दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया। अब हमें इसका डोम का कितना रखना है, 0.2 का, तो 0.2 लिख के एंटर। फिर ये दोनों सरफेसेस अभी अलग है, तो सिलेक्ट करके इसको जॉइंट कर देंगे, और यहाँ से ये ओपन होगा, तो इसको क्लोज करने के लिए सॉलिड में जाकर कैप प्लानर, हो गया पैक। अब हम इसको भी थोड़ी देर हाइड में रख देंगे, अब हमें इसमें स्ट्रिप टू वाला ऑप्शन लेना है, तो कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन लेना है, एंड पॉइंट ऑन रखना है, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, फ्रंट में छे ऐसे स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर लिया, F10 से जो बीच वाला पॉइंट है उसे डिलीट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके इतना नीचे ले लिया, ये हो गया इतना। फिर हमें 3D व्यू करना है, सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक, इस वाले कर्व पे क्लिक, और ये जो हमने ड्रॉ किया उस पे क्लिक, एंटर, ओके, हो गया इतना। दोनों को सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाकर कैप प्लानर देना है, तो हो गया पैक। यहाँ से फिर से शो करना है, अब इस मेटल में जो बीच वाला कटिंग है उसको करना है, तो क्या करना है, पहले वायर फ्रेम करेंगे, ये बीच वाला कटिंग जितना है हम उतना ड्रॉ कर लेंगे, तो इंटर कर्व से इस तरफ वाला ड्रॉ कर लिया हमने इस तरह। अब इसको सामने की साइड हम मिरर दे देंगे, तो मिरर का ऑप्शन लिया, F4, सामने के साइड मिरर,
दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन देना है और फिर 3D करके उसको हाइट दे देना है। हाइट हमें इसमें देना है 2 mm का, तो 2 लिख के एंटर। फिर इसको ऐसे नीचे इतना दोनों के आर पार रख देना है। तो अब हमें इसमें कटिंग करना है, तो ये वाला मेटल मैंने सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस का ऑप्शन लिया और ये जो हमने अभी ड्रॉ किया था उस मेटल पे क्लिक करके एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो गया है अभी। अब हमें इसमें कॉलेट सेट करने हैं, तो कॉलेट सेट करने के लिए पहले हम इस मेटल को हाइड कर देंगे। अब हम इस डायमंड का मेजर लेंगे, तो मेजर में जाना है अलाइन डायमेंशन से, ये डायमंड का मेजरमेंट चेक करना है। टू पॉइंट टू एम एम का है, तो जेम्स में जाके जेम लोडर में 2.2 का हमें राउंड डायमंड लेना है। फिर सॉलिड में जाना है, सिलेंडर का ऑप्शन लेना है, F4 दबा के 2.4 एंटर माइनस 1 एंटर। फ्रंट में डायमंड को ऊपर लेना है 0.1, 3D करके उसको F6, उसमें जो जेम कटर वाला ऑप्शन आएगा वो लेना है। 3D करके हमें देखना है कि ये आर पार है, तो हाँ है, तो एंटर दबा के ओके कर देना है। फिर ये ग्रीन वाला मेटल सिलेक्ट करके डिफरेंस लेके जेम कटर पे क्लिक करके एंटर दबा देना है। फिर इन दोनों को ग्रुप, यूटिलिटीज में जाना है, ग्रुप कर देना है। फिर डायमंड को सिलेक्ट किया, कॉपी करना है वहां से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी किया, यहाँ से इतना ऊपर ले लिया। फिर इसको सिलेक्ट ही रखना है और अरे पोलर लेना है ट्रांसफॉर्म में जाके, तो अरे पोलर का ऑप्शन लिया F4, 6 ऑप्शन कॉपी है तो 6 लिखकर एंटर एंटर एंटर, 3 बार एंटर दबाना है। अब इसमें प्रॉन्ग साइज क्या है तो वो हम चेक कर लेते हैं। अभी मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से इसमें प्रॉन्ग साइज 0.9 का है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाना है, सिलेंडर का ऑप्शन लेना है, फिर से F4, टॉप में से 0.9 है और फ्रंट में से हम -2 रखेंगे। तो ये वाला प्रोंग है उसको सिलेक्ट किया हमने, डायमंड तक लिया और यहाँ से इसे 0.3 ऊपर लेंगे और नीचे का जो है उसे मूव फेस से हम कॉलेट के लेवल तक लाएंगे। हमने इतना कर दिया। फिर सॉलिड में पहले बॉक्स में फिलेट एज लेना है, इस एज पे क्लिक करना है, एंटर दबाना है एक बार। फिर से टोल का ऑप्शन लिया हमने और यहाँ पर लिखना है 0.15, फिर एंटर एंटर, इतना हो गया। फिर ये वाला प्रोंग है उसे कॉपी करना है, कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी किया हमने और इस डायमंड तक यहाँ से इतना इंसर्शन हो इतना रखा। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके उसे भी हमने अरे पोलर देना है, तो कितना कॉपी है 6, तो 6 लिख के एंटर एंटर एंटर। फिर ये वाला जो प्रोंग है उसे सिलेक्ट किया, इन तीनों के बीच एग्जेक्ट सेट हो इतना मूव कर लिया, अरे पोलर लिया F4, इसको भी 6 मिरर देना है, तो 6 लिख के एंटर एंटर एंटर, इतना हो गया। फिर इन सब प्रोंग्स को सिलेक्ट करना है और बीच में जो कॉलेट है उसको भी सिलेक्ट करना है। राइट व्यू में उन सब को 0.7 ऊपर लेना है स्टेपिंग देने के लिए। अब उसका हाइट ऊपर आ गया है तो हमें सॉलिड में जाके मूव फेस लेना है और उस बीच वाले कॉलेट का हाइट ऐसे नीचे खींच लेना है। फिर ये सब सिलेक्ट किया, यूटिलिटीज में जाके ग्रुप कर देना है। फिर इसको यहाँ पर हमने सेट कर दिया इसके ऊपर एग्जेक्ट। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे, तो हाइड में रख दिया इसको भी। अब ये वाला डायमंड है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं,
तो ये 1.8 का है। तो जेम्स में जाके जेम लोडर में हम 1.8 का डायमंड लेंगे। अब उस हिसाब से हम उसका सिलेंडर भी बना लेंगे। तो F4 2 एंटर माइनस 1 एंटर। फ्रंट में से डायमंड को 0.1 ऊपर लेना है। F6 उसका जेम कटर लेना है, एंटर दबा देना है। तो हमें इसे जेम कटर दे देना है। तो सिलेंडर को हमने सिलेक्ट किया, डिफरेंस का ऑप्शन लिया, जेम कटर पे क्लिक किया, एंटर दबा देना है। तो ये वाला कॉलर भी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम ग्रुप कर देंगे। तो इसको ग्रुप करने के लिए सिलेक्ट किया, यूटिलिटीज में गए, ग्रुप का ऑप्शन लिया और इसको यहाँ से डुप्लीकेट से हम मिरर ले लेंगे। तो क्या करेंगे, अभी स्नैप बंद कर दिया है मैंने, ऐसे सेंटर में क्लिक किया और इसके इसको ऊपर सेट करते जाऊंगी मैं। ये कॉलेट सभी सेट हो गए हैं। तो इस एक लाइन को हम सिलेक्ट करके अभी इसको ग्रुप कर देंगे यहाँ से। अब ये वाला कॉलेट हम अभी डिलीट कर देंगे। अब हमें इस साइज के प्रॉन्क्स बनाने हैं। तो क्या करना है, मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से प्रॉन्क्स का मेजर ले लेंगे हम। 0.75 के प्रॉन्क्स है अभी, तो हम 0.75 के प्रॉन्क्स बनाएंगे। तो प्रॉन्क्स बनाने के लिए सॉलिड में जाना है, सिलेंडर सेंटर में बनाना है, इसलिए 4 0.75 एंटर माइनस 2 एंटर। फ्रंट में से इसको हम डायमंड के लेवल तक लेंगे और वहां से 0.3 ऊपर। मूव फेस से इसका हाइट हम अभी कॉलेट्स के लेवल तक ले लेंगे। फिर ऊपर की बॉर्डर को फिलेट एज, तो बॉर्डर पे क्लिक किया, 0.15 ही है, तो एंटर एंटर। टॉप में इसको सिलेक्ट किया, फिर से डुप्लीकेट का ऑप्शन लिया, F4 से सेंटर से लेके ऐसे यहाँ से हम सेट करते जाएंगे। अब इसमें एक साइड के प्रॉन्ग्स भी हमने सेट कर लिए हैं। तो ये सेंटर वाला जो है प्रॉन्ग उसको डिलीट कर देंगे। फिर इन सब प्रॉन्ग्स को सिलेक्ट किया, यूटिलिटीज में जाके ग्रुप और प्रॉन्ग्स और कॉलेट को एक साथ अभी ग्रुप कर देंगे। फिर टॉप में इसको सामने के साइड मिरर दे देना है। तो मिरर का ऑप्शन लिया, F4 सामने के साइड इस तरह से मिरर। फिर शो करके पेंडेंट को हमें हाइट में से यहाँ लाना है। अब ये वाला पट्टी जो हमें वो ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, कव में गए, ऐसे सेंटर में से एक कव ड्रॉ किया यहाँ पर। फिर इसको बोथ साइड वाला ऑप्शन देना है। तो क्या करना है, सिलेक्ट किया, मेजर में जाएंगे, अभी इसका अलाइन डायमेंशन से मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमने मेजर लिया, तो 1.1 का है, तो हमें बोथ साइड ऑप्शन 0.55 का देना है। तो हमने कव ऑफसेट का ऑप्शन लिया, बोथ साइड यस 0.55 लिख के
एंटर एंटर हो गया इतना ब्रॉड। ये वाला कव है उसे अभी डिलीट, इन दोनों कव्स के पॉइंट्स को ऑन करके इसे हम मूव करके इतना अंदर ले लेंगे। तो हो गया ये अभी, अभी इसको हम सामने के साइड मिरर दे देंगे। तो मिरर का ऑप्शन F4, सामने के साइड मिरर। फिर यहाँ सिंगल लाइन ड्रॉ करना है ऐसे सेंटर में, फिर इसको भी हम ऑफसेट देंगे बोथ साइड वाला, बोथ साइड यस 0.55, बीच वाला जो कव है उसे डिलीट। अभी इमेज हम हाइड कर देंगे, फिर इस वाले दोनों कव्स को हमने सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके उसको लॉफ्ट वाला ऑप्शन दे दिया एंटर। फिर इन दोनों कव्स को भी सिलेक्ट करके लॉफ्ट वाला ऑप्शन ओके। अब ये डोम वाला है तो इसको हाइट कितना देना है, तो दोनों को 0.7 का, तो सरफेस ऑफसेट में गए हम, हाइट हमें देना है 0.7, तो 0.7 लिख के एंटर एंटर। अब उसमें ऊपर जो डोम वाला पार्ट बनाना है उसके लिए सॉलिड में जाना है, एक्सटेट सरफेस लिया, ऊपर वाली दोनों सरफेस पे क्लिक किया, एंटर दबा के डिलीट। अब हमें ब्लेंड सरफेस देना है तो क्या करेंगे, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, दोनों एजेस पे से क्लिक किया एंटर। तो कभी कभी ऐसा आए ना तो हमें क्या करना है, 3D करके कोई भी कॉर्नर वाले पार्ट पे सिलेक्ट करना है। अब आ गया ठीक से 0.2, इसमें भी नीचे भी 0.2 एंटर। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट सॉलिड में जाके कैप प्लानर, फिर से सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, दोनों पे क्लिक किया एंटर। यहाँ पे हमें लिखना है 0.2, इस नीचे भी 0.2, दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट सॉलिड में जाना है, कैप प्लानर का ऑप्शन दे देना है। फिर पट्टी को सिलेक्ट किया, उसको भी हम सामने की साइड मिरर दे देंगे। हो गया इतना। अब हमें ये दोनों कॉलर्स के जो पार्ट है वो इतने ऊपर ले लेने हैं। अभी इतना हो गया, अब हमें इन प्लेट्स को भी ऊपर लेना है, तो हमें इनको ऊपर लेने के लिए हम इन तीनों प्लेट्स के सॉलिड पॉइंट्स ऑन करेंगे और वायर फ्रेम में उन सब के सॉलिड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सॉलिड पॉइंट्स ऑन किए, इनको मूव करके यहाँ तक ऊपर ले लिया, फिर एस्केप से पॉइंट्स हाइड। अब हमें यहाँ पे जो पार्ट है उसको ड्रॉ करना है, तो उस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ से ये पैक है तो हमें यहाँ से एक मेटल बनाना है, ऐसे कर्व ड्रॉ किया, यहाँ तक। फिर ये सब हम अभी थोड़ी देर के लिए हाइड में रख देंगे। फिर से ये वाला जो कव है सिलेक्ट किया, उसको सामने के साइड मिरर, फिर दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन देना है। अब ये प्लेन पार्ट है तो इसको भी हम हाइट 0.7 का ही देंगे, तो जीरो ऑफसेट सरफेस में डिस्टेंस 0.7 ही है, तो एंटर। इतना हो गया, अब हम फिर से सब कुछ शो करेंगे और यह जो प्लेट है उसको सिलेक्ट करके राइट व्यू में से यहाँ तक ऊपर ले लेंगे। हो गया यहाँ पे सेट, फिर से इमेज अब हमें हाइड कर देना है। एक बार मैंने सेव कर दिया, फिर इन सब कॉलर्स को मैं अभी थोड़ी देर के लिए
हाइड में रखती हूँ क्योंकि इस पेंडेंट को हमें बेंड देना है। तो फ्लो देने के लिए हमें पहले टॉप में से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गई, केज एडिट का ऑप्शन लिया, बाउंडिंग बॉक्स नहीं पर हमें लाइन लेना है। अभी तो राइट व्यू में पेंडेंट के शुरू से एंड तक ऐसे क्लिक किया, एंटर एंटर, फिर जो बीच के दोनों पॉइंट है उसको को सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लिया, फिर ये बीच वाला जो कव है उसे हमें सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब हमें पूरा पेंडेंट सिलेक्ट करना है, केज एडिट, फिर से लाइन का ऑप्शन, फ्रंट में से पेंडेंट के शुरू से एंड तक ऐसे हमें क्लिक करना है, दो बार एंटर दबाना है, फिर बीच के जो दो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके इतना ऊपर लेना है ऐसे, फिर एस्केप दबा देना है, ये वाला कव है उसको डिलीट कर देना है। अब हमें बाकी का जो है वो शो करना है, ये वाला क्लस्टर है उसको हमें बेंड नहीं करना है, उसको हमें ऐसे स्ट्रेट ही ऊपर ले लेना है। अब हमें उसे पेंडेंट के हिसाब से रोटेट करना है, तो रोटेट का ऑप्शन लेना है। अब हमें यहाँ से इसको झुकाना है इस तरह, फिर इसको वहां से इतना मूव कर लिया ऊपर। अब देखिए ये इतना ऊपर आ गया, तो इसका हाइट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका हाइट मूव फेस से हम नीचे ले लेंगे, तो मूव फेस का ऑप्शन लिया, सॉलिड में जाना है, मूव फेस का ऑप्शन ले लिया हमने। अब हम ये वाला पट्टी जो आडे आ रहा है उसको हम हाइड कर देंगे, अभी मूव फेस सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करके, कई बार ऐसा होता है कि मूव फेस हम लेते हैं ना तो ये ठीक से काम नहीं करता, तो आपको अगर ऐसे बॉक्स से ना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाले कॉलर्स जो है उनको हम अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे, फिर मूव फेस का ऑप्शन लेंगे और उनकी एजिस पे से क्लिक करके उनको सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे के जो सरफेसिस है उन पे। ऐसे सिलेक्ट करके राइट व्यू में राइट क्लिक से हम उसको नीचे ले लेंगे, इतना आ गया इसका हाइट। अभी फिर से सब कुछ शो करना है और इन दोनों मेटल्स को फिर से सिलेक्ट करना है राइट व्यू में से। अब हमें इसको यहाँ तक लाना है, पहले तो यहाँ तक लाना है और यहाँ से थोड़ा इतना बेंड करना है, तो क्या करना है, बेंड का ऑप्शन लेने के लिए ट्रांसफॉर्म में बेंड का ऑप्शन लिया, यहाँ से यहाँ इतना क्लिक किया और यहाँ से ऐसे झुका दिया, फिर इसको सिलेक्ट करके फिर से रोटेट करके थोड़ा इतना ऊपर ले लेना है। तो हो गया ये वाला पार्ट भी सेट हमारा। अभी अब इसको सामने के साइड हम मिरर दे देंगे, मिरर का ऑप्शन F4, सामने के साइड ऐसा मिरर, फिर हमें ये चेक कर लेना है कि ये पट्टी भी इसमें ठीक से बैठ गया है। तो हाँ, तो हमें अभी इससे थोड़ा नीचे ले सकते हैं, तो अभी हम इतना नीचे खींच लेंगे इस पट्टी को। हो गया यहाँ पे सेट, फिर बीच बीच में इसको सेव भी करते रहना है। अब हमें इसका सपोर्ट बेजल बनाना है, तो सपोर्ट बेजल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कव में जाएंगे, डुप्लीकेट एज का ऑप्शन लेंगे, जो आउटर में जितने भी बॉर्डर्स है उन सब पे क्लिक करके हम का कव्स ले लेंगे, क्लिक किया, फिर
फिर एंटर दबा दिया टॉप में से। बाकी का हमने सब कुछ हाइड कर दिया, जो डुप्लीकेट स्कव थे उनको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, प्रोजेक्ट टू सी प्लान का ऑप्शन दे दिया, एंटर, डिलीट, फिर सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको सब हम डिलीट कर देंगे। तो सिलेक्ट करेंगे, पहले हम ट्रिम का ऑप्शन लेंगे, इतना हो गया, फिर इसको हम जॉइंट कर देंगे। अभी जॉइंट करने के बाद यहाँ से भी हम ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल लाइन से एंड पॉइंट ऑन रखना है हमें, यहाँ से यहाँ तक इतना क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट किया जॉइंट, फिर इसको अंदर की तरफ ऑफसेट देना है, तो कितना 0.7 का, तो ऑफसेट कर लिया, अंदर की तरफ हमें कितना ऑफसेट देना है 0.7 का, तो 0.7 लिख के एंटर, इसे क्लिक कर देना है, ये हो गया। फिर इसको हाइट देने के लिए दोनों कर्व्स को एक साथ सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए हम, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट का ऑप्शन लिया, अब हमें इसको बोथ साइड नहीं रखना है तो बोथ साइड नो कर देना है, नीचे की तरफ हाइट देना है तो -0.7 लिख के एंटर दबा देना है। तो अब ये हमारा इतना गैलरी कंप्लीट हो गया है। अभी फिर हम पेंडेंट को शो करेंगे, अब हम पेंडेंट का जो सबसे निचले वाला हिस्सा है वहां तक इसको मूव करेंगे और वहां से -0.8 नीचे ले लेंगे। अब हम फिर से पेंडेंट को हाइड कर देंगे अभी, क्योंकि हमें यहाँ सपोर्ट भी रखने हैं, तो अभी मैं एक सपोर्ट बना लेती हूँ 0.7 का। तो बॉक्स सब सॉलिड में जाना है, बॉक्स का ऑप्शन लेना है, फिर F4 करके 0.7 एंटर, 0.7 एंटर और 0.7 एंटर, तीन बार 0.7 लिख के एंटर दबाना है, फिर इसको सेंटर में ले लिया, फिर इसको मूव करके अभी मैं इसे बीच में ही रखते हूँ। वैसे अभी मैंने एक रख दिया है, फिर ये वाला मेटल है उसको भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइड करती हूँ। फिर इस वाले सपोर्ट को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और अरे अलोंग कर्व का ऑप्शन लेना है, पर उससे पहले भी हमें दो प्रॉन्ग्स के बीच कितना में गैप रखना है, तो 5 mm का, तो हमें एक यहाँ पे 5 mm का सर्कल बना लूंगी, फिर ये वाला सपोर्ट सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, अरे अलोंग कर्व का ऑप्शन लिया, फिर बाहर के कर्व पे क्लिक करना है। तो अब हमें नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमें यहाँ लिखना कि हमें कितने सपोर्ट चाहिए, तो अभी हम 12 लिखते हैं, 12 लिख के एंटर दिया, तो देखिए आया एग्जैक्ट 5 mm पे। फिर ये वाला सर्कल है वो भी डिलीट कर दिया। अब हमें ये जो कॉर्नर पे जो सपोर्ट आएंगे ना उनको सेट करना है, तो क्या करना है, ये वाला है उसको रोटेट करके ऐसे सेट किया, उसको यहाँ से ऐसे 1D कर दिया, अगर इसे भी आपको सेट ना करना हो तो हमें क्या करना है, वहां से अलग से एक प्रोंग बना लेना है, तो अलग से प्रोंग बनाने, एक सपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे, कर्व में गए, सिंगल लाइन ड्रॉ करना है हमें यहाँ से ऐसे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कर्व में दूसरे बॉक्स में कर्व बुलियन का ऑप्शन लेना है और बीच के जो पार्ट है उस पर क्लिक करके एंटर, तो क्या है ऑलरेडी वहां पे उस शेप का सपोर्ट बन के आ गया और सामने के साइड हमने मिरर दे दिया। फिर दोनों को सिलेक्ट करके हमें हाइट देना है, सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड यस 0.35, हो गया ये वाला सपोर्ट भी हमारा कंप्लीट। फिर इन सभी सपोर्ट को भी हमें थोड़ी देर के लिए ग्रुप करना है, तो यूटिलिटीज में जाके ग्रुप, फिर शो करना है सब कुछ और इन सपोर्ट्स को इतना नीचे लेना है, इसके अंदर 0.15 जितना इंसर्शन हो उतना,
फिर इसको फिर से हमने अनग्रुप कर दिया। फिर ये वाला प्रॉम्प्ट सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में जाके उसको 1D देना है, तो 1D का ऑप्शन लिया, स्केल 1D। स्नैप हम अभी बंद कर देंगे, नीचे से ऐसे ऊपर तक क्लिक किया, इसके अंदर भी 0.15 जितना इंसर्शन हो उतना खींच लेना है। फिर से इन सबको सिलेक्ट करके ऐसे ही हमें स्केल 1D करके जाना है। सिलेक्ट करना है, फिर से यूटिलिटीज में जाके इसको ग्रुप कर देना है। ये हो गया अभी। इमेज के हिसाब से हमारा पेंडेंट अभी कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। इमेज को फिर से हाइड किया, ये वाला पेंडेंट अभी कंप्लीट है। फिर से इसे एक बार मैं सेव कर देती हूँ। ये हमारा पेंडेंट कंप्लीट है। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।